हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक मधुकर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा। आज आपसे मैं बात करूंगा Realme 8 Pro के बारे में। फ्रेंड्स, Realme 8 Pro को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। यूज करते करते मुझे क्या कुछ इसमें बेटर देखने के लिए मिला, तो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। और देखो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होगी कि फर्स्ट टाइम Realme के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, क्या एक तरीके से वो बेटर होगा। तो कुछ सैंपल भी है जो मैंने कलेक्ट किए हैं, और सारे के सारे जितने भी आपके सवाल होंगे सभी सवालों के आपको जवाब भी देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रेंड्स, वहीं अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में, क्योंकि इसमें डिजाइन आपको काफी यूनिक देखने के लिए मिलेगा। बैक में दोस्तों पॉलीकार्बोनेट यूज हुआ है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, देखने में बहुत ही बेटर एंड बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करा रहा है। इसके पीछे डेयर टू लीव की ब्रांडिंग हो रखी है, जो कि एक तरीके से काफी बेटर लग रही है और मैट लुक के साथ है। तो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे मैट फिनिश एक तरीके से बहुत ही पसंद है। तो ऑल ओवर अगर डिजाइन की बात करूं, डिजाइन इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए फ्रेंड्स मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके कैमरे सेटअप के बारे में। अगर कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको काफी बेटर कैमरा देखने के लिए मिलेगा इस पर Realme की तरफ से। 108 मेगापिक्सल का इसमें आपको बैक में कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है और रिजल्ट भी आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सैंपल कलेक्ट किए हैं जिन्हें आप देखोगे आपको काफी एक तरीके से बेटर रिजल्ट लगेगा, और कहीं ना कहीं आप भी बोलोगे कि यार ये डिवाइस मुझे परचेस कर लेना चाहिए। वही बात करेंगे इसके फर्स्ट कैमरे की, तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जिसके अगर सेंसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सैमसंग का सेंसर फ्रंट्स देखने के लिए मिलेगा, आईसोसेल HM2 का इसमें आपको सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर सेंसर है। अब ये देखो, 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, ये क्या है, 9-in-1 टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। देखो, अब इसका मेन यूज क्या और मेन बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ कैप्चर की है। फ्रंट देख सकते हो आप, डिस्टेंस एक तरीके से काफी दूर है, और इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है आपको इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी। अब ये मैं एक तरीके से जूम इसे कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो काफी एक तरीके से आपको बेटर रिजल्ट फ्रेंड्स देखने के लिए मिलेगा। डिस्टेंस एक तरीके से ज्यादा और क्लियर एंड शार्प आपको फोटो देखने के लिए ये मिल रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसके एजेस भी काफी एक तरीके से बेटर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके नाइट मोड के बारे में, तो इसमें आपको नाइट मोड भी काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने रियर कैमरे से कैप्चर करी है, जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हो काफी एक तरीके से डार्क आई है। और वहीं ये एक पिक्चर है जो कि मैंने नाइट मोड के साथ कैप्चर करी है, देख सकते हो आप एक तरीके से काफी ब्राइट आ रही है एंड रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग इसका मुझे देखने के लिए लगा। इसी के साथ साथ इसमें आपको काफी आउटस्टैंडिंग आपको नाइट फिल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। ये आप देख सकते हो काफी एक तरीके से बेटर पिक्चर निकल कर आई है, और ये भी एक पिक्चर देख सकते हो, ये भी नाइट फिल्टर के साथ है। तो इसके नाइट फिल्टर मुझे काफी एक तरीके से बेटर देखने के लिए लगे। नाइट के अगर रिजल्ट की बात करूं तो नाइट में एक तरीके से इसका कैमरा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स। वहीं अब हम बात करेंगे इसके सेकंड कैमरे के बारे में, जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। इससे क्या आप 119 डिग्री तक की अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो और वीडियो दोनों ही एक तरीके से कैप्चर कर सकते हो। तो ये कुछ रिजल्ट है जो कि एक मैंने नॉर्मल कैमरे से कैप्चर करी है, और वहीं दूसरी जो पिक्चर है वो 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से कैप्चर की है। तो डिफरेंस एक तरीके से आप देख सकते हो। वहीं इसके अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है। ये इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है। वहीं इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस देखने के लिए मिलेगा, जिसका रिजल्ट कुछ ये है। और दोस्तों, अगर इसके अंदर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड काफी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ इसके पोर्ट्रेट मोड है जो कि मैंने फोटो भी कैप्चर करी और काफी एक तरीके से बेटर मुझे इसका रिजल्ट देखने के लिए लगा। तो ये AI कलर पोर्ट्रेट, ये डायनामिक पोर्ट्रेट है, और भी इसमें आपको कई तरीके के पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको काफी बेटर पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए मिल रहे हैं फ्रेंड्स। वहीं अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे की, तो जो इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी एक तरीके से बेटर है। तो ओवरऑल अगर मैं कैमरे सेटअप की बात करूं तो इसमें आपको कैमरा सेटअप काफी शानदार देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको काफी बेटर डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले फ्रेंड्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब देखो, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने काफी टाइम ये फोन यूज किया और डिस्प्ले मुझे इसका काफी एक तरीके से ब्राइट लगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 1000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। यानी इनडोर और आउटडोर कंडीशन के अंदर आपको काफी एक तरीके से बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको डिस्प्ले
काफी बेटर देखने के लिए मिल रही है। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसकी बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको बैटरी भी काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी, 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक तरीके से आज के टाइम पे काफी एक तरीके से अच्छा प्लस पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो ऐसा मैंने किस लिए बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी तो देखने के लिए मिल रही है, वहीं अगर इसकी अगर वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपको वेट देखने के लिए मिलेगा 176 ग्राम का वेट देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि पता है आज के टाइम पे 200 ग्राम के फोन हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर 4500 mAh की बैटरी अगर हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ आपको 176 ग्राम का वेट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर थिकनेस की बात करें तो 8.1 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जब आप हैंड में अपने होल्ड करोगे तो एक तरीके से ग्रिपिंग काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड। तो ऑल ओवर अगर मैं अगर थिकनेस की अगर बात करूं तो थिकनेस एंड वेट हमें काफी बेटर देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं अब हम बात करेंगे इसके चार्जर की। तो जो इसमें दोस्तों आपको चार्जर देखने के लिए मिलेगा 50 वॉट का एक फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। यानी रियलमी 8 प्रो की बैटरी को जब आप 50 वॉट चार्जर से आप चार्ज करोगे तो 17 मिनट में आपका फोन जो है वो 50% चार्ज हो जाएगा। अगर आप 47 मिनट अगर चार्जिंग पे लगा देते हो तो आपकी बैटरी जो है वो 100% चार्ज हो जाएगी, तो ये एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। वही टाइप सी फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी के साथ है। तो ऑल ओवर अगर चार्जिंग एंड बैटरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही एक तरीके से आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रही है फ्रेंड। और फ्रेंड्स वही अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और देखो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये डाउट था कि रियलमी 7 प्रो के अंदर जो हमें देखने के लिए मिला था वो भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिला था, तो इसमें भी हमें 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस एक तरीके से मुझे काफी बेटर देखने के लिए मिली, यानी ऑप्टिमाइजेशन इसकी काफी एक तरीके से बेटर कर रखी है। वहीं अब हम बात करेंगे इसकी स्पीड की। तो स्पीड जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी 2.3 GHz ऑक्टा कोर की स्पीड देखने के लिए मिलेगी, यानी हैवी से हैवी मल्टीटास्किंग इजीली इस डिवाइस के अंदर आप कर सकते हो। वहीं 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा, यानी बैटरी एफिशिएंसी आपको बहुत ही बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं जीपीयू की अगर बात करो तो 618 का इसमें आपको एड्रीनो देखने के लिए मिलेगा, यानी ग्राफिक्स आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर भी इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए फ्रेंड्स मिल रहा है। और फ्रेंड्स इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, इन्फिनाइट ब्लू, इन्फिनाइट ब्लैक और इल्यूमिनेटिंग येलो। तो तीनों ही कलर एक तरीके से काफी बेटर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं फ्रेंड्स। वहीं अब हम बात करेंगे इसके रैम, स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 2 वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे, 6128 आपको देखने के लिए मिलेगा 17999 में, वही 8128 आपको देखने के लिए मिलेगा 19999 में। तो एक तरीके से काफी बेटर डील है 108 MP कैमरे के साथ। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।